ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 7 जो कि है Permutations, Combinations and Probability. इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है जी Probability and Rules of Combination. यानी कि Probability से related जो हमारे पास questions होंगे, MCQs होंगे. Probability कहते हैं जी Calculated Guess, एक Numerical Value होती है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स उनको अरेंज करने का नाम होता है. तो इस लिहाज से जो हमारे एमसीक्यू बनते हैं वो हम आपसे स्क्रीन पे शेयर करते हैं जी. फर्स्ट एमसीक्यू है जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ब्लैक जैक फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. यानी हम जानते हैं कि जो प्लेइंग कार्ड हैं उनकी कुल तादाद कितनी है, 52 है. ठीक है, उनमें से जो मेरे पास जो मेरा फेवरेबल इवेंट है वो है ब्लैक जैक. ठीक है, उसकी जो आउटकम है पॉसिबल, मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है, जबकि मेरे पास जो टोटल सैंपल स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं कार्ड्स की तादाद 52 है. तो ए इवेंट की के जब मैं कार्ड जो है वो उठाऊं और वो कार्ड ब्लैक जैक हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि मैं 2, मतलब मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 52, ये लिखूं 2 आउट ऑफ 52. और अगर इसको मैं मज़ीद सिंपलीफाई करता हूं तो देखिए 2 1 टाइम 2 2 2 2 टाइम 4 1 इसमें कैरी आ जाएगा, 2 6 टाइम होता है हमारे पास 12. तो ये 1 ओवर 26 जो है प्रोबेबिलिटी बनती है किसकी जी, के जो कार्ड उठाया जाए वो ब्लैक जैक होगा. इसलिए ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे वो एक फिर बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा इस खास क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी स्टेटमेंट्स यूं है कि अगर NC5 और NC7 ये आपस में बराबर हो, यानी अगर n ऑब्जेक्ट्स हो और हमारे पास 5 स्पेसिस हो, या n ऑब्जेक्ट्स हो और 7 स्पेसिस हो, तो ये दोनों जो हमारे पास अरेंजमेंट्स की तादाद है डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वो अगर बराबर हो तो n की वो कौन सी खास वैल्यू हो सकती है. अब इधर हम रिवर्स इंजीनियरिंग का जो मेथड टेक्निक है उसको हम यूज़ करेंगे. हम वन बाय वन जो है वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू से ये जवाब हमारा दुरुस्त आता है. ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम 12 पे ही चेक करते हैं कि 12 पे क्या आंसर आता है. अगर हम 12 सी 5 को एक्सपेंड करते, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना था रिजल्ट, यहाँ पे हम लिखते 12 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 5 फैक्टोरियल और फिर n में से 5 यानी 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 फैक्टोरियल जवाब आएगा. जबकि राइट साइड का अगर आंसर देखा जाए तो 12 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 7 फैक्टोरियल और 12 में से 7 माइनस करें 5 फैक्टोरियल आ जाएगा. यानी देखिए 12 लिखने से 12 वो ऑब्जेक्ट्स की तादाद है जिसमें कि अगर हमको 7 स्पेसिस पे या 5 स्पेसिस पे अरेंज करें तो उनकी तादाद जो आएगी वो आपस में बराबर आएगी. इसके अलावा अगर हम 5 चेक करते, देखें 5C5 1 के इक्वल होता है क्योंकि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल और फिर 0 फैक्टोरियल, जबकि 5C2 जो है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की तादाद स्पेसिस से ज़्यादा ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, और 0 भी हम नहीं कर सकते, 7 से फिर ये साइड लेफ्ट साइड राइट के बराबर नहीं आएगी. इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसको मार्क कर देंगे. नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कि अगर 13C9 माइनस 12C8 का डिफरेंस दिया जाए तो ये इनमें से किस जो कॉम्बिनेशन है उसके बराबर होगा. ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये आंसर क्या बनता है. ठीक है, हम इसे क्विकली जो है वो सॉल्व करते हैं. ठीक है जी, 13 बल्कि हम इसको यूं कर लेते हैं कि इस पर हम एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. इस फार्मूला को हम यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो क्या फार्मूला है जी. वो फार्मूला ये है कि हमने ये पढ़ रखा है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हो और उनका कॉम्बिनेशन r स्पेसिस से लिया जा रहा हो, प्लस या फिर n ही ऑब्जेक्ट्स हो और उनका कॉम्बिनेशन r माइनस 1 ऑब्जेक्ट से लिया जाए, इन दोनों का जो सम है वो बराबर होता है n प्लस 1 ऑब्जेक्ट c r स्पेसिस के. ठीक है, अब इस रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम n को अगर हम 12 रख लेते हैं, ठीक है,
और आर को हम 9 रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये फार्मूला बनता है कुछ हिस्सा बनेगा कि यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, सी आर कितना है 9, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12 सी आर में से 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, जो कि इक्वल होगा किसके 12 प्लस 1, यानी एन में 1 ऐड किया सी आर के, आर कितना है 9 है। अब देखिए इस यहाँ पर ये 12C9 लिखा हुआ है माइनस 12C8 है, अगर इसका मतलब अगर इस टर्म को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो 12C9 इधर आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ क्या आएगा 13C9 माइनस 12C8, जो कि फिर ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये शॉर्ट तरीका है, मतलब इसमें फार्मूला चूंकि हमने यूज़ किया, लेकिन अगर हम फार्मूला यूज़ ना करते तो फिर मुझे एक्सपेंड करना पड़ता और इनका डिफरेंस लेना पड़ता और फिर मुझे इनको वन बाय वन एक्सपेंड करके इनका डिफरेंस देखना पड़ता क्या जवाब आ रहा है, फिर जो जवाब इससे मैच करता, जारी बात है सी ऑप्शन इससे मैच करता, तो फिर मैं सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता। तो ये फार्मूला यहाँ पे अगर याद रहे तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम इस टाइप के जितने भी MCQ वो बड़ी क्विकली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर NCR plus NCR plus 1 ये इक्वल टू हो जाए N plus 1 CX के, तो देन X क्या होगा। अब यहाँ पर बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हम इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को यूज़ किया जाए कि क्या इसमें X 4 होगा, ठीक है, या इसमें अब देखिए 4 नहीं हो सकता क्योंकि R का जब हमें नहीं पता तो फिर हम 4 क्यों लिख सकते हैं इसे, ठीक है। या अब क्या x n के इक्वल होगा या r प्लस 1 के या r माइनस 1 के, तो अब इस पे थोड़ा सा हमें जो है वो सोचना है, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरह से इस बात को समझ लेते हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक रिलेशन है NCR plus NCR minus 1, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है NCN plus 1 CR के इक्वल, ठीक है, R के इक्वल। अब देखिए अगर मैं यूं अस्यूम करूं कि जो R minus 1 है वो ये वाली टर्म है, तो उसमें अगर 1 ऐड करूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, यानी बिल्कुल यही वाली बात बन रही है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये N plus 1 CR के इक्वल है, यानी कि R प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम इससे ये नतीजा निकाल सकते कि हमारे पास जो X है वो फिर R प्लस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पिछले MCQ में भी हमने इसी रिलेशन को यूज़ किया था और उससे जो आंसर था वो फाइंड आउट किया था। बिल्कुल यहाँ भी यही बात आ रही है कि अगर X जो है वो R प्लस 1 हो, ठीक है, यहाँ पर R प्लस 1 हो X, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड करेगी, ठीक है जी। अब हम इसमें ऐसा कर लेते हैं कि अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं इस तरह से कि हम इसमें जो R और N की वैल्यू है वो खुद से खुद कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें हम N जो है वो 2 पुट करते हैं और R जो है वो 1 पुट कर लेते हैं, तो NC जब हम मतलब 2C1 की बात करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 2 factorial over 1 factorial into 1 factorial, तो ये 2 आएगा आंसर, ठीक है। प्लस जब हम 2C2 की बात करेंगे तो इसमें 2 factorial over 2 factorial 1 आ जाएगा और 1 divided by 0 factorial वो 1 ही रहेगा, जबकि दूसरी तरफ जब हम जो है 2 plus 1 3 factorial लेंगे, सॉरी 3C2 लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा 3 factorial over 2 factorial multiplied by 1, तो 3 factorial 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है, जो कि ट्रू है। इसका मतलब कि ये रिलेशन जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, इस फार्मूला की मदद से इसको हमने वेरीफाई भी किया है और हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड भी यूज़ कर सकते थे कि हम आर की वैल्यू और एन की वैल्यू कोई नंबर सेलेक्ट करके इसमें 1 by 1 पुट करते और तब भी हम आंसर ला सकते थे, बेशक हमें ये फार्मूला याद ना भी हो। तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर एनसीआर जो है वो 35 के इक्वल हो और एनपीआर जो है वो 210 के इक्वल हो, तो फिर वो एन और आर की कौन सी वैल्यूज हैं जिनका कॉम्बिनेशन जो है वो 35 और परम्यूटेशन जो है वो 210 होती है। अब यहाँ पर याद रहे कि जो एनसीआर है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर के फैक्टोरियल के, ठीक है। जबकि जो एन पी आर है ये किसके इक्वल होता है, इसमें हम सिंपल एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है वो यूज़ करते हैं इस फार्मूला को। अब देखें अगर ऑप्शन नंबर ए को हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से यूज़ करते हुए चेक करें कि क्या इसमें आर सेवन और एन बी सेवन हो सकता है, तो ये हमारे पास अगर ए ऑप्शन के हवाले से बात की जाए तो कम्बिनेशन का जवाब जो है वो हमारा वन आता है, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें 35 चाहिए, तो फिर हम एन पी आर के लिए इसको चेक ही नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर ऑप्शन बी की बात की जाए तो इसमें आर एन सेवन अगर रखा जाए और आर थ्री, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल आएगा ओवर 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, जो कि 7 का 3 से डिफरेंस है। अब 7 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड किया जाए तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जो कि इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो यहाँ पर 6 से कैंसिल, 35 टाइम 35 हमारा आंसर एक वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है। क्या आप दूसरी के लिए भी ट्रू है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें 7 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर यहाँ पर कितना आ रहा है जी 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास कितना बनता था, अभी हमने इसको देखा था 7 मल्टीप्लाई बल्कि यूँ कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना बनता है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210 बनता है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर ये ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। बल्कि अगर ऑप्शन डी भी देखा जाए तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन डी भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है, इसलिए हम दोनों को ही जो है वो करेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ले आते हैं कि अगर हम इसको एन को इससे डिफरेंट रख लेते हैं, कोई 6 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि एक ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन बन जाए, तो हम कहेंगे बस ऑप्शन बी जो है फिर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल हमारा एक बेस्ट ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर n प्लस 2c8 की रेशियो ली जाए n माइनस 2p4 से, तो ये रेशियो 57:16 बनती, तो फिर n की क्या वैल्यू होगी इनमें से, ठीक है। अब हम इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से चेक करते हैं, यानी अगर हम n इक्वल टू 21 की बात करते 19 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 21 बन जाएगा 19 में 2 ऐड करके C8, ठीक है, इसकी रेशियो ली जाए अब n माइनस 2 19 में से 2 माइनस करें 17C4 से, तो देखते हैं क्या ये 57:16 आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। 20C8 को ओपन करते हैं 21 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 8 फैक्टोरियल और 21 का अगर 8 से डिफरेंस दिया जाए तो ये 13 बनता है, ठीक है, 13 फैक्टोरियल, जबकि रेशियो में जो ये P था, बल्कि यहाँ पर मुझे ये P लिखना चाहिए था, ये परम्यूटेशन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर P है, अगर इसको हम ओपन करें तो ये 17 फैक्टोरियल ओवर 17 का 4 से डिफरेंस 13 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर इस रिलेशन के बराबर, जिसको कि मैं यहाँ से कॉपी यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वाकई ये रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं, ठीक है जी। 21 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं इस तरह से कि इसमें 21 आ जाए, 20 आएगा, फिर 19, ठीक है, 18, 17, 16, ठीक है, देन 15, देन 14, देन 13 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 13 फैक्टोरियल है, जबकि दूसरी तरफ रेशियो का साइन है, ठीक है,
और ये 17 फैक्टोरियल को भी हम इस तरह से एक्सपेंड कर लेते हैं कि 16, 15, 14 और 13 फैक्टोरियल ओवर 13 फैक्टोरियल, ठीक है, ये लिख देंगे। जबकि इक्वल टू ये जो नंबर आ रहे हैं इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये इक्वल टू इसके आ रहा है, ठीक है, बल्कि जी सॉरी मिसेज स्क्रीन साइड पे होगी थी, ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसे सॉल्व किया था और जब मैंने इसे मज़ीद सिम्प्लीफाई किया, आप भी सिम्प्लीफाई करेंगे तो इसी ऑप्शन से, ऑप्शन ए ही से हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाती है, इसलिए हम ऑप्शन ए ही को मार्क करेंगे, बी सी डी से ये आंसर नहीं आते हैं।